नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट पिक्चर और मैं हूं प्रीति। अपने परिवार में खुश रहने के लिए महिलाएं अहम भूमिका निभाती हैं। ऐसे में यदि वह अचानक बीमार पड़ जाए तो परिवार के सभी सदस्यों का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। यदि आपकी घर की महिलाएं इलाज कराने के बाद भी अक्सर बीमार रहती हैं तो आप इलाज के साथ कुछ वास्तु दोषों पर भी ध्यान दे सकते हैं। आपको बता दें कि घर के कुछ वास्तु दोष के कारण भी महिलाएं अक्सर अस्वस्थ रहती हैं। यहाँ आप महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़े कुछ दोषों के बारे में जान सकते हैं। मनुष्य के स्वास्थ्य पर भी वास्तु का प्रभाव पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि दवा परहेज करने के साथ लाखों कोशिश करने के बाद भी बीमारी व्यक्ति का पीछा ही नहीं छोड़ती। आइए जानते हैं वास्तु के अनुसार वो कौन से कारण हैं जिससे घर स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आती हैं। यदि आपके घर में पानी की बोरिंग दक्षिण दिशा में हुई है तो ये बहुत ही बड़ा दोष है। ऐसा होने से घर की महिलाओं का स्वास्थ्य खराब रहता है और अनचाहे खर्च भी बढ़ते हैं। जिस मकान का उत्तर और ईशान कोना ऊंचा हो और बाकी हिस्से नीचे हो तो उस घर में रहने वाली महिला पर गंभीर बीमारी का हमेशा खतरा बना रहता है। जिस घर के आगे का भाग टूटा हुआ होता है या फिर उसके सामने की दीवार जर्जर पड़ी हो या फिर उसमें दरार आ गई हो तो उस वास्तु के चलते भी घर में रहने वाली महिला का सेहत अक्सर खराब रहता है। घर के रंग भी औरतों की सेहत से काफी तक जुड़े रहते हैं। घर को बीमारियों से दूर रखने के लिए रात को अंधेरा करके ना सोए। रात के वक्त बरामदे में हल्के नीले रंग का सॉफ्ट बल्ब जगाकर रखने से घर वालों का स्वास्थ्य सदा अच्छा रहता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार उत्तर पूर्व दिशा में कभी भी बाथरूम नहीं बनवाना चाहिए। वास्तु के अनुसार इस दिशा में बाथरूम बनवाने से घर में बीमारी का माहौल रहता है। इसका सीधा असर महिलाओं के स्वास्थ्य पर पड़ता है। कैसे करें इन समस्याओं का हल? तुलसी का पौधा घर में सुंदरता के साथ साथ घर के सदस्यों की अच्छी सेहत भी प्रदान करता है। पौधा रखने के लिए घर की उत्तर दिशा सबसे बेस्ट मानी जाती है। यदि घर की मालकिन रोज सुबह उठकर तुलसी को पानी डाल के पूजा करे तो इसका फल उसकी अच्छी सेहत के रूप में मिलता है। स्त्रियों को घर की दहलीज पर बैठ के भोजन नहीं करना चाहिए, इससे घर में दलिद्रता पैदा होती है, साथ ही बच्चे भी बीमार रहते हैं। महिलाएं भोजन बनाने के बाद तवा, कढ़ाई या अन्य बर्तन चूल्हे या गैस पर न रहने दें। खास तौर पर रात को खाने के बाद रसोई अच्छी तरह साफ करने के बाद ही किचन से बाहर निकले, इससे घर वालों की सेहत सदा अच्छी बनी रहती है। रसोई में घर में जूठे बर्तन ही रखने चाहिए। बर्तनों को रात में ही धो के रख दे, इससे शरीर आरोग्य भी रहेगा और धन का लाभ भी मिलेगा। घर की खुशहाली बनाए रखने एक औरत की सबसे अधिक जिम्मेदारी होती है। मंगलवार के दिन जितना हो सके दान पुण्य का काम करें। खास तौर पर सफ़ेद रंग की वस्तुएं दान करने से अनोखे लाभ मिलते हैं। औरतें अपने आभूषण को घर के दक्षिण पश्चिम कोने में रखें। ऐसा करने से घर में शांति आती है और धन की वृद्धि होती है। घर की छत पर टूटी कुर्सियाँ, बंद घड़ियाँ, खाली गत्ते, बोतल, टूटी फूटी मूर्तियाँ, इससे किसी भी प्रकार का कबाड़ नहीं रखना चाहिए। घर की मिट्टी के खाली मटके भी नहीं रखने चाहिए। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखे औरत खुद की और फैमिली की तमाम वास्तु दोष को ख़त्म कर सकती है।